हेलो फ्रेंड्स, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है वह एग्ज़ाम को लेकर के है और इसमें कुछ फॉर्म आया हुआ है, तो इसी के बारे में इस अपडेट या नोटिस में बताया गया है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, यहां पर दिया गया है 24 तारीख को, आज के दिन में ही यह डाल दिया गया है वेबसाइट में, या www.ssc.nic.in आप लोग देख सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइज नंबर जो दिया हुआ है इसको आपको एक ध्यान रखना है, फेज 9/2021 सिलेक्शन पोस्ट ये है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। तो डेट्स जो दिया गया है ऑनलाइन अप्लीकेशन के लिए वो 24 तारीख से भराएगा, मतलब इसी महीना के 24 तारीख से लेकर के अगले 25 तारीख को, अगला महीना का तब तक भराएगा। फिर लास्ट डेट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो 25/10 तक दिया हुआ है। साथ ही साथ में लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए 28/10 तक दिया हुआ है, 28 अक्टूबर को दिया गया है। और लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान में भी आप लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी 28 अक्टूबर का ही डेट दिया है। और यहाँ पर फिर है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान के थ्रू से जो भी है वह 1 तारीख को, यानी कि नवंबर का 11वां महीना 1 तारीख का होगा। इसके अलावा में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो होगा जनवरी फरवरी, ये एक्सपेक्टेड डेट है 2022 का अगला साल में। और यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वोमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो यहाँ पे है कि मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं इसमें, इसी बताया गया। ये आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पेज में दिया गया है, तो ये उतना ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण से जो चीज़ें हैं वो आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। SSC का जो है, जो SSC का जो साइट है वहाँ पर आप लोग जाके इस PDF को देख सकते हैं, और फॉर्म में कैसे क्या करना है, कैसे भरना है, उस सारी चीज़ों को आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है जो भी दिया गया है, इसको सारे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आगे में देख सकते हैं सारा चीज़ें हैं, एनेक्स्चर भी दिया गया है, साथ ही तो ST SC के लिए कैसे क्या करना है वो सब सारे दिया गया, OBC के लिए कैसे, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, EWS के लिए भी देख सकते हैं। और यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉयज, सब भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग उस PDF में देख सकते हैं। तो यह अपडेट है SSC की ओर से। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेज में दिया गया, तो ये बताना पॉसिबल नहीं है, इसी कारण से आप लोग PDF जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है एज लिमिट जो दिया गया उसको भी देख लीजिए। थोड़ा सा एज लिमिट है यहाँ पर, 1/1/2021 को यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में ये सब सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको देने के लिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो छूट भी दिया जाएगा ST SC के लिए 5 साल के लिए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये सबको सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं PDF में। इसके अलावा मैं फिर से आप देखिए यहाँ पे जो है ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो है वो सब यहाँ पर दिया गया है, ये सब भी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे देखिए। और इसके अलावा मैं है जो भी इम्पोर्टेंट सारी चीज़ सब उसे थोड़ा सा मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ मिल जाता है तो आप लोगों को जरूर से जरूर बताता हूँ। और इसके अलावा मैं है देखिए इतना ज़्यादा पेज में है इसलिए बताना पॉसिबल नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एज के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, देखिए यहाँ पर एज के बारे में क्या कह रहा था ये है, इसको देखिए एज यहाँ पर किया जाएगा इसके अलावा में। और फिर यहाँ पर आप लोग देखते हैं अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पे है। तो हाउ टू अप्लाई के लिए आप लोगों को क्या करना है कि ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट, मतलब एक एक पोस्ट के लिए आप लोग भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको हर पोस्ट के लिए फी पेमेंट करना होगा। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं। लास्ट डेट तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, इसके अलावा में देखिए ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको देख लेना है। और इसके बाद में है यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी पोस्ट, इसमें केवल एक बार किया जा सकता है एक ही पोस्ट के लिए, ये भी यहाँ दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कंडक्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये भी यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर जो है ये सब सारे दिया गया है इसमें है। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, तो अप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपया के लिए, और इसमें जो है आप फी भीम UPI नेट बैंकिंग ये सब के द्वारा भी, चालान के द्वारा भी आप लोग फी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो है SC ST डिसेबिलिटी लोग को पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट है, ये भी है देख लेते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया कि फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वह 28 अक्टूबर तक का है, ये देखिए। इसके बाद है यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो तो देखिए, डिटेल्स ऑफ 9 रीजनल ऑफिसेस कमीशन एज आर फॉलोज, मतलब 9 को रीजनल ऑफिस है यहाँ पर, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रीजन वाइज पूरा सारी चीज़ें दिया गया है। ये तो
इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है, कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट द रीजन फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑप्ट टू वेरी फास्ट ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी पोस्ट शुड बी फ्रॉम द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन अक्रॉस रीजन रिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ पोस्ट। यहाँ पे आप लोगों को अपना अच्छे तरीके से भर लेना रीजन वाइज में, क्योंकि हो सकता है उसी के अनुसार से आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, इसी हिसाब से ये कहा जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो आप लोगों को पता है ही कैसे किस प्रकार का एग्ज़ाम लेता है, और इसमें देखिए मैट्रिक लेवल का पूछता है ये भी है, प्लस टू लेवल का है ये भी दिखा है यहाँ पर, साथ साथ में ग्रेजुएशन लेवल का भी है ये भी देख सकते हैं, एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब आप लोगों को PDF में मिल जाएगा, ये सब आपको ले करके जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड प्रिंट आउट या आधार कार्ड, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ये सबको लेकर जाना होगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पे दिखा है इफ़ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये सब जो आइडेंटिटी कार्ड के बारे में और एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके दिया गया है। इसके अलावा मैं देखिए यहाँ पर इतना सारी चीज़ें दिया गया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, और स्कोर्स मार्क्स ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ कुछ बताया गया है, और यहाँ पर देखिए ये सब आप लोग वेबसाइट में जा करके आराम से इस PDF को एक एक करके पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स के बारे में कुछ दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए है। इसके अलावा मैं इधर मैं आपको मैं नीचे तरफ ले जाता हूँ, सारी चीज़ें जो होती है नॉर्मली उसी प्रकार के होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर है, अब देखिए मैं सीधे आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ले जाता हूँ, सर्टिफिकेट किस प्रकार का बनवाना है ये सब सारे दिया गया है इस जगह से। देखिए सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का सर्टिफिकेट बनेगा वो सब, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रोसीड्यूस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये किस प्रकार का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस प्रकार का दिया गया है। यहाँ पर सारा चीज़ आप लोगों को तैयार रखना है फॉर्म भरने के लिए, और फिर इतना ज़्यादा चीज़ें दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर है पार्ट टू में किस प्रकार करना है, तो पार्ट टू में ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर भी सारा चीज़ें दिया गया है, किस प्रकार का आपको फ़ोटो चाहिए ये सब सारा दिया गया है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा में सिग्नेचर किस प्रकार का चाहिए ये सब भी दिया गया है, लॉग इन टू ऑनलाइन सिस्टम थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड थ्रू से आप डाल सकते हैं, फिर अप्लाई करना है इस वाले चीज़ में जा करके, मतलब फेज़ 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन दीजिएगा, फिर उसके बाद में आप लोगों को इस प्रकार के फॉर्म भराएगा और आगे फिर जाते जाना है। यहाँ पे किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं फॉर्मेट फॉर, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट फॉर STSC का सर्टिफिकेट सब दिया गया है यहाँ पे किस प्रकार का है ये सब सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं ये यहाँ पर फिर जितने भी सर्टिफिकेट्स बनने थे वो सब सारे यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेट, और इसके बाद लास्ट में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सारा फॉर्मेट है कनेक्चर आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर, और इधर देखिए यहाँ पर भी है आप लोग का सारा चीज़ें सर्टिफिकेट को लेकर के यहाँ पर। इसके बाद में एकदम से लास्ट में मैं जाता हूँ, देखिए इस प्रकार का आपको फ़ोटो चाहिए, यहाँ पे फ़ोटो के बारे में भी बताया गया है, यहाँ पर ओके अलाउड है, इस प्रकार का फ़ोटो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, लेकिन ये ओके अलाउड है, ये इस प्रकार के आपको चाहिए फ़ोटो, इस प्रकार का ये सब सारी चीज़ें दिया गया है आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में, आप लोग देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। जब फॉर्म भरिएगा आप लोग, जब फॉर्म भरना होगा तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, इसमें आपको फिल कर लेना है आपको सिंपल, उसके बाद में इस प्रकार का हो जाएगा सारा चीज़ें आप लोगों का ओके हो जाएगा। डिक्लेरेशन भी लास्ट में फिर आपको डिक्लेरेशन के लिए भी आएगा यहाँ पर, तो डिक्लेरेशन भी भर देना है, और फिर यहाँ पे इतने ज़्यादा सारे चीज़ें हैं फॉर्मेट दिया गया है। इसके बाद अब यहाँ पर सबसे लास्ट में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर द फोर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑन कैटेगरी ऑफ पोस्ट प्लीज क्लिक, ये आपको क्लिक करके देख लेना है। यहाँ पर कुछ कुछ दिया गया है, सेंट्रल रीजन CR ये सब दिया हुआ है, पोस्ट नेम दिया, पोस्ट नेम जो भी है डिपार्टमेंट वो सब दिया हुआ, एज पे स्केल EQ लेवल SC ST OBC ये सब सारी चीज़ें दिया गया, किस में कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है ये सब सारे दिया गया है यहाँ पर, CR रीजन ER रीजन, इसके अलावा मैं आप लोगों के जितने भी रीजन से नो रीजन बोला गया है तो नो रीजन में है देखिए यहाँ पर बिल्कुल, तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कौन कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पर है, उसका कोड भी दिया गया है,
तो ये आपका सीरियल नंबर आप लोग अब देखते हैं, तो देखिए मैं आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी मिले जा रहा हूँ। तो देखिए सीरियल नंबर है यहाँ पर 271 तक है, वेस्टर्न रीजन करके चार्ज में इतना टोटल इतना सीट है आपको, देखिए 477 249 788 1366 इस प्रकार करते हुए देख रहे हो, तो 3261 इधर दिया हुआ है, इतना सारा पोस्ट का निकला है। तो आप लोग यहाँ पोस्ट के लिए यहाँ पर भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार के आप लोगों ने देखा है यहाँ पर जो है, देखिए इतना नीचे था मैं, अभी तक मैं इतना स्पीड में जा रहा हूँ फिर भी, तो कुल मिला करके मैं अब ऊपर पहुँच गया हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट के लिए दिया गया है, एसएससी में आप लोग जाकर देख सकते हैं, और ये जो है पीडीएफ को वो आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के। तो ये एक नया नोटिस और अपडेट आया है जो कि एग्जाम को लेकर के है एसएससी की ओर से।